नमो अरहंकारम नमो सिद्धारम नमो आर्यारम नमो वज्रायारम नमो लोये सवसाहुकम शुद्धात्मान मनिकांतम साधमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम मुकुंद कुंदाचियो जैन धर्मोस्त मंगलम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावन करच्छिदे सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते नित्य बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। तीन बातें कल की फिर याद करें, बोलो। धर्म, धर्म रूढ़ी की क्रिया नहीं है, धर्म आत्मा का परिणाम है। धर्म देखा देखी नहीं किया जाता, धर्म अपने को देख करके होता है। धर्म देखा देखी नहीं किया जाता, धर्म अपने को देखने पर होता है। चाहे निश्चय धर्म हो चाहे व्यवहार धर्म हो, अपने को देखेंगे तो धर्म प्रकट होगा। निश्चय में अपने शुद्ध आत्मा को देखे तो वितराग भाव होगा, और व्यवहार में यदि हम अपने को देखने लगे तो फिर क्षमा होगी, विनय होगी, सरलता होगी। अपने को देखने का मतलब व्यवहार में क्या होगा, व्यवहार में क्या होगा? जी करें तो हम करें, जी नहीं करते तो हम क्यों करें? अब सब लोग सोचो भाई, अरे भाई अपने को देखो, अपने दोष को देखो, अपने उदय को देखो, अपने भविष्य को देखो। भवितव्य नहीं कह रहे, अपने भविष्य को देखो। पंडित जी ने भविष्य के संबंध में क्या शब्द लिखा, इन परिणामों का फल मुझे भोगना पड़ेगा, इन परिणामों का फल क्या होगा? समझ में आया? तो धर्म देखा देखी नहीं किया जाता, धर्म अपने को देखने से होता है। हमारा भाव है सो हम कर रहे, बाद बाकी दूसरे नहीं कर। अब जी बने रहे करोड़पति, नहीं दे रहे तो नहीं देंगे। हम कर रहे सो अपने लिए, जी करेंगे अपने लिए। इनके पास खूब टाइम है, नहीं कर रहे तो मत कर लेंगे। हमारे पास थोड़ा काम है, हम अपना कर रहे। धर्म अपने को देखने से होता है, निश्चय न में अपने ध्रुव स्वभाव को देखने से होता है, और व्यवहार न में अपना ही दोष देखो, अपना हित देखो, अपना भविष्य देखो, अपनी शांतता देखो। भले तुम्हारे सुधार के चक्कर में हम कसाय करें, उस कसाय का फल तो हमें भोगना पड़ेगा, तुम थोड़ी भोगने आओगे। एक बात, दूसरी बात बोलो, बहुत अच्छी बोल पा गए। कसाय से किसका सुधार हुआ है? हम तुम्हारे सुधार के लिए कसाय करें, सुनो गलत है। कसाय से किसी का सुधार नहीं होता, कसाय स्वयं के बिगाड़ का कारण है। अपना परिणाम बिगड़ा ना, अपना कर्म बने और दूसरे के भी बिगड़ने में निमित्त है। वो सामने वाला कसाय करना सीख जाएगा और कह देगा पंडित जी भी तो कर रहे थे, वे भी तो नाराज हो जाते हैं, और तुम नाराजगी का पोषण करोगे अपने। कसाय कर दूसरे के सुधार के लिए कसाय कर रहे तुम, अरे अपना सुधार करो, अपनी कसाय को रोको तो तुम्हें देख करके दूसरा सुधर जा। अपना हित देखो, अपना भविष्य देखो, इन परिणामों का क्या फल है? त्याग में सुख है। हाँ तो बाकी क्या हुआ? धर्म देखा देखी नहीं होता,
नहीं किया जाता, धर्म अपने को देखने से होता है। निश्चय बोलो, अपने शुद्धात्मा को देखने से धर्म होता है। निश्चय धर्म वितराग भर्म साम्य भाव, और व्यवहार में अपना दोष देखो, अपना भविष्य देखो, अपना हित देखो। कोई अभी आया, अरे भैया हम अपना धंधा देखेंगे, तुम्हें देखे थे दुनिया के पंचायत में, हम अपना काम देखना, हमें जाकर हमें इतनी फुर्सत है, क्यों लौकिक वाले हैं? लौकिक विचारकों ने भी क्यों लिखा, अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ, दूसरे के बारे में सोचने का अवसर न मिले। दूसरे का भला सोच सको तो सोचो, बाद बाकी कुछ मत सोचो। सो भी निष्प्रय भाव से, तो क्या सोचेंगे कि हमारी कसाय से हमारा बुरा होगा, हमें दुनिया की पंचायत क्या लेना देना। तुम सुधर भी गए, उत्तम क्षमा का एक दृष्टांत याद करो। एक आदमी की गाली देने की आदत पड़ी थी, ऐसे मिल गए दादाजी, बोले भैया काय को गाली दे, जो शास्त्र का वाक्य बोलो, जो मिष्ट वचनों के होते हुए भी कटु वचन बोलता है, कठोर वचन बोलता है, कटु माने कड़ुए कठोर, मर्मांतक मर्म सिद्धि वचन बोलता है, कुवचन बोलता है, वह वृक्ष के मीठे पके फलों को छोड़ करके कच्चे फलों को खाता है। काय को बोलत बोल बुरेनर, नाहक हिजत धर्म गमावे, ताल छिदय रसना न भिदय, न लगे कछु अंक दरिद्र न आवे। साहब कचार जी की लाइन बोलो, मिष्ट वचनों कर जगत भरा है, लोक भरा है, बरगना है। जो सुधरेगा, अच्छा आज तक का इतिहास देखो, पुराण देखो, जगत के सुधार में या दूसरों के सुधार में मंद कसाय वाले निमित्त हुए कि तीव्र कसाय वाले निमित्त हुए? वितरागी देव सास गुरु निमित्त हुए हैं कि सराजी निमित्त हुए हैं? फिर खत्म हो गई बात। हाँ, तो तीसरा बात बोलो, रात का, रात को जो अपन ने चर्चा की थी, धर्म सामाजिक क्रिया नहीं है, पराधीन क्रिया नहीं है, धर्म स्वाधीन व्यक्तिगत साधना है, आत्म साधना है। हटो यहां से, हट जा, आओ बैठ जा, बैठ जा, खत्म हो गई बात। ढीठ से नहीं, ढीठ बनकर नहीं, विनय से, सरलता से। कल से तुम नहीं आओगे, नहीं आएगे, लेकिन जहां हो वहां स्वाध्याय करना। क्या कहा था, धर्म पर्वों को व्यक्तिगत रूप से मनाना, सामूहिक भक्ति हो गई, सामूहिक विधान हो गया, सामूहिक फलाना कार्य हो गया, अरे वो तो ठीक है, समाज को देख करके वो एक व्यवस्था है, लेकिन धर्म व्यक्तिगत रूप से बनाना, धर्म पर्वों को इन दिनों में एक शिविर समझना अपने लिए, क्या क्रोध न हो पाए, और कदाचित क्रोध आ जाए तो तुरंत क्षमा मांगो, तुरंत क्षमा करो, निग्लेक्ट करो, खत्म। हमने वर्षों 200 वर्षों की शत्रुता आपस में, बोला चाली बंद, घर जाना आना बंद, रिश्तेदारी की बंद, कौन साले बहनोई, और क्षमा वाणी का उपदेश सुनकर के ऐसे हुए, घर जाकर के सीधे पहुंचे अपने घर, नहीं जिया के घर, जिया अवश्य भी मिले। ये दृष्टांत बता रहे हैं हम, कल्पना नहीं बता रहे, आज है नहीं बे, नहीं तो हम बता देते नाम पता, आज बे दोनों ही नहीं है। न क्षमा करने वाले, न क्षमा मांगने वाले, दोनों ही नहीं, दोनों आनंद में होंगे कहीं ना कहीं। क्या हुआ ये मत सोचो, क्या होना चाहिए ये सोचो। कल कहा था ना, मान लो भीड़ भाड़ है,
ज्यादा विधान हो रहा है, तुम्हारी भक्ति हो रही है। अब इनका बूढ़े आदमी को माने मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आप अकेले बैठ करके प्रमाद में समय मत कमाना, बिकथा मत करना कहीं बाहर बैठ करके, तब भक्ति हो रही सो हम नहीं जा रहे। नहीं, आप उतनी देर स्वाध्याय करिए, माला फेरिए, दुश्चिंतन से बचिए, दुष्परिणामों से बचिए, आलस्य में मत पड़ी रही। हम तो लेट ही है भाई, अब तो भक्ति हो रही, प्रवचन होने तब पहुंच गए। प्रवचन बारे अपने क्या करना, भक्ति बारे ने अब तो प्रवचन हुए, सुबह पहुंच चल रहे, अपने बैठ बैठ गए तो बातें कर रहे, महापाप बांधते। ये दो कार्य अलग अलग नहीं है, भक्ति पूर्वक प्रवचन सुने जाते हैं और प्रवचनों के सुने हुए विषय को तो भक्ति में गाया जाता है, चिंतन दोहराया जाता है, और क्या होता है बिना भक्ति के? क्या प्रवचन सुनोगे? और प्रवचन का जो विषय है वही तो उसमें लिखा है, बता क्या पढ़ के आए सूल कारण जयमाला में, क्या पढ़ के आए बता? पूरा प्रवचन ही तो है। आप सोचो, उनका अर्थ विचार करो, आपका प्रवचन हो जाएगा। और प्रवचन को अगर थोड़ा सा भावात्मक रूप से ले, निवेदन के रूप में ले, तो भक्ति हो गई। अलग अलग थोड़ी है। 10 दिनों आलस्य छोड़ना, क्रोध छोड़ना, अभिमान छोड़ना। आपको एक प्रसंग आदि पुराण का याद है, भरत चक्रवर्ती के 100 भाई थे, 99 सहोदर और 1 बाहुबली, और सबके सामने एक ही समस्या थी, आओ भरत को नमस्कार करो और बस अपना भरत के चक्र भीतर प्रवेश हो, देख भैया पूरी हो। 100 के 100 ही झुकने को तैयार नहीं थे, लेकिन किसी के साथ युद्ध का प्रसंग नहीं बना। उन्होंने समझा, 99 भाइयों ने, कि भाई चक्रवर्ती एक ही तो होता है छठखंड, चक्रवर्ती 2 हो कैसे सकते हैं? और फिर चक्रवर्ती की सेवा गुलामी नहीं है, चक्रवर्ती की सेवा ये गुलामी नहीं है। हमारी प्रांतीय सरकारें केंद्र सरकार के अधीन है, तो क्या गुलामी है? ये तो सुरक्षा है, एक व्यवस्था है। हम पूछ रहे, एक एक गांव की पंचायत अगर स्वतंत्र कर दें, बिल्कुल तुम स्वतंत्र हो, तो इतनी बड़ी सड़क कौन बना सकता है? कौन बनाएगा बता? ट्रेन कौन चलाएगा? ग्राम पंचायत की ताकत है, इतनी आमदनी है, इतनी लंबी चो बने कि हम तुम्हारे गांव में नहीं घुसने देंगे, तुम हमारे गांव में नहीं घुसने देंगे, तो क्या होगा? पुल कौन बनाएगा नदी का? सोचो, एक बड़े लोगों की सेवा करना गुलामी नहीं होती, ये सौभाग्य होता है। देवशास गुरु की सेवा, धर्म धर्मायतनों की सेवा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत विनम्रता से, बहुत सरलता से, कोई प्रकार की कुटिलता नहीं, कोई प्रकार का अहंकार नहीं, का तत्व का नहीं, बहुत विनम्रता से, बहुत सरलता से, बहुत समर्पण भाव से, हमारा लग तो जाए। आप विचार करो, काल्पनिक संवादों में, काल्पनिक नहीं है ये, चिंतनात्मक संवाद है। भरत चक्रवर्ती ने भरतेश वैभव के आधार पर क्या कहा बाहुबली जब सामने खड़े थे? क्यों बाहुबली काय को उठ गए, तो काय को खड़े हो गए सामने आकर के? अरे भाई, तुम ये समझो, तुम छोटे हो हम बड़े हो, तुम्हारे लिए हम दिग्विजय करके लाए, संवारो तुम अपना दिग्विजय, हम तुम्हारे लिए करने गए थे और तुम संवारो इसको, तुम बनो हमें कुछ पूछना हो तो पूछ लियो, नहीं पूछना हो तो कोई बात नहीं, तुम संवारो, तुम्हारे लिए दिग्विजय करके आए थे, बताओ बड़े को अधिकार है कि नहीं छोटे के लिए करने का?
तुम्हारे जी मकान बना दो रहो आराम, तुम्हारे लिए व्यवस्था बना दी है करो आराम से। देखो भाई ये तो जिनवाणी है, लेकिन हमारी भारत की संस्कृति में ये है त्याग बड़ा होता है। ले भाई बस बड़े हो गए, ये कैसे वो कैसे, तो ही हम छोटे हो गए, बस हो गया विवाद का। लेकिन होनहार के अनुसार क्या करें, बाहुबली का चित्त चुप। अरे भाई संभालो, चक्र को एक धक्का दे दिया ये समझो, जाओ बावरी तुम्हारा स्वामी है, बावरी के पास जाओ। लेकिन चक्र कैसे जाएगा, तुम्हारे पुण्य की सामग्री इनके पास कैसे चली जाएगी ये बता। चक्र थोड़ा थरका और फिर लौट के वहीं वहीं बावरी के हाथ। आपको मालूम है उस पुराने जिनसेन स्वामी वाले में भी चक्र को चलाया लेकिन लौट के फिर भरत के पास आ गया, बावरी का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन लौट के कहाँ आया, क्योंकि जिसके पुण्य की सामग्री है उसी के पास रहेगी, कोई दूसरा नहीं ले सकता। इसलिए न ईर्ष्या करने की जरूरत है, न ज्यादा सोच करने की जरूरत है, न कर्तृत्व करने की जरूरत है, सब ऐसे ही चलता है। ये संसार है, मोक्ष की कल्पना मत करो। यहां जब तुम्हारे हाथ की पांच उंगली एक सी नहीं हो सकती तो तुम्हारे ये बताओ सब एक से कैसे हो जाए, कैसे होंगे। सदुपयोग करना सीखो, सदुपयोग करना सीखो, क्या करोगे। नीम भी है, बबूर भी है, गिलोय भी है, आम भी है, शीशम भी है, साग, जिन पर कछु फल नहीं लगा जे काय को पेड़ लगा दे, अरे इनकी फर्नीचर बनेगा, लकड़ी बनेगा, तुम पागल हो क्या, जे काय को बना दिए। वो ईश्वर के कर्तृत्व वाला आया ना, पेड़ के नीचे बैठा, उस पर लगे बड़े छोटे छोटे फल है, और उधर खेत था कद्दू लगे इतने बड़े बड़े, नहीं देखो कैसा पागल है करने वाला भी विदा था। नगने सी बेलन पर इतने बड़े बड़े कद्दू और इतने बड़े पेड़ पर इतने से बड़े फल, संयोग की बात, लेटा लेटा सोच रहा था, एक फल गिरा नाक पर तो तिल मिला गया, सोचने लगा मरे अगर कद्दू गिरतो तो क्या हो, तो मूर्ख हम है जो उल्टा सोच रहे। जो है उसे स्वीकार करना सीखो, जो नहीं है उसे कर उसको मूर्ख वे है ना कि मूर्ख हम है। ये 2000 बजे कार को बना दिए, अरे बनाए हैं उसने उस हिसाब से बनाए होंगे, इधर जाने वाले के लिए बनाए होंगे, हवा की क्रॉसिंग, तुम तो उसका उपयोग करो। जो है उसका सदुपयोग करना सीखो भैया, सदुपयोग करना। तो इन धर्म पर्वों को व्यक्तिगत रूप से बनाना, आत्म कल्याण का निमित्त बनाना, जैसे जिन दर्शन को भवजन को ने अनुभूत हित स्वानुभव का निमित्त बनाना, इस जिनवाणी को भेद ज्ञान का निमित्त बनाना, महापुरुषों को आदर्श बनाना जीवन में, ये छोड़। बाहुबली अंत में पसीज गए, हाय हाय पश्चाताप होने लगा। कसायों का प्रारंभ अज्ञान में होता है और अंत 10 भव का बैरी, पछताना ही पड़ेगा अंत में, और कोई उपाय नहीं है। चाहे देशभूषण कुलभूषण पर उपसर्ग करने वाले हों, चाहे संजयंत मुनि पर उपसर्ग करने वाले हों, चाहे गुरुदत्त मुनि राज पर उपसर्ग करने वाले हों, हैं अंत में पछताए हैं उस केवल ज्ञान की दशा को देख करके। चाहे गज कुमार मुनराज को उपसर्ग करने वाले हों, उपसर्ग करने वाले पछताते हैं, अंत में कुछ नहीं होता, उसका कुछ नहीं बिगाड़ होगा। तभी तो महापुरुषों के ऐसे दृष्टांत हैं, वे पहुंचे गांव में, गांव वाले इकट्ठे हो गए 10-20, उन्हें गो बैक, वापिस जाओ वापिस जाओ वापिस जाओ, उन्हें भैया हम चले चले गए। अब सबरे गांव वाले ने अजैन लोग सब इकट्ठे हो गए, उन्हें क्या कर रहे हो, हैं कोई पुरुष आया तुम्हारे गांव में, तुमने भगा दिया उसको,
वापिस लाओ, चलो। तो बेव चले, बेव चली, सरपंच से मिल गए, महाराज हमारे गांव में से निकले आप, तो चलो भैया। बोले भैया हमारा विरोध, हम तो चले जाएंगे, तुम्हारा विरोध बना रहेगा, क्या फायदा, प्रेम से रहो। कौन ने कुआस की जायदाद ले ली, को संग में ले जाएगा और कोई ध्रुव बना रहेगा। हम कितने दिन से प्रवचन करने लगे, वैसे पहले कोई और करते तो कि नहीं करते, सोचो है? वो कमरा हमको बना करके दिए, ये हम तुमको दे रहे, तो मैंने एक और बड़ा बना करके उनको अपने बच्चों को सौंपना, उसमें क्या दम धरी है। त्याग करना सीखो, त्याग बिना शांति नहीं है, और त्याग का मतलब घर त्याग नहीं, घर त्याग तो बहुत बाद की बात है, पहले मोह का त्याग करो, अहंकार का त्याग करो, क्रोध का त्याग करो, कुटिलता का त्याग करो, छल प्रपंचों का, लोभ का त्याग करो। देखो आप आनंद 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 तुम्हारी कहूं बाहर से थोड़ी लाने, धर्म आनंदमय है, क्यों के धर्म में दुख और के कारण ही नहीं है। धर्म आनंदमय इसलिए है कि धर्म में दुख के कारण नहीं है, दुख के कारण हो तो वहां कार्य हो, जब दुख का कारण नहीं है तो कार्य कहां से आएगा। तो धर्म को व्यक्तिगत रूप से मनाना, बैठना, चिंतन जरूर करना, रूढ़ी की तरह पढ़ते मत रहना, पाठ पढ़ते जाओ और पता ही नहीं पड़े जहां में का लिखो है। पंडित जी के वाक्य अंत में याद कर लो, टोटरमल जी के, जिस प्रकार अपना उपयोग निर्मल हो वह कार्य करना, जिस प्रकार जिसका अर्थ जाने सो पाठ पढ़ना, और जो सद थके सो प्रतिज्ञा नियम करना। पद्धति बुद्धि से नाम रखाने में कोई लाभ नहीं है। दुनिया हमें भला है, बड़ा धर्मात्मा और ज्ञानी कह दे, उससे हमें कोई लाभ नहीं होगा, हमें हमारी परिणाम का फल भोगना पड़ेगा। तो समझाओ भैया, गाली फाली मन देव करो, तो उसकी समझ में आ गई, उनने कहा ठीक, आज से हम नियम ले रहे, नियम ले लिया। दो चार महीने बाद फिर वो मिले दोनों जने, तो वो लड़का था, बोला है दादाजी सुनो, आपने जब से कही तो हमने हमसे नियम लाओ, जो समझो एक आध दफे बात निकल गई, वो बात अलग है, हमने प्रायश्चित दिया फिर माला फेरी, लेकिन आज कोई हमें 100 गाली भी दे तो अभी हम गुस्सा नहीं करेंगे, इतना हमें इतनी सहन शक्ति हो गई, नहीं तो आप देखे देख ले। बोले भैया तुम्हारी परीक्षा होगी, हमारी जवान कितनी गंदी हो जाएगी, हम देखे देख ले, हम पे हैं कहां सो, हम देखे देखेंगे। के देखे देख ले आया, अरे कहां आया, कहां आया, अपने में आया, भगवंतों की शरण में आया, वीतरागता की शरण में आया, धर्म की शरण में आया, इस क्रोधादिक कसायों को, मानादिक कसायों को दूर से ही छोड़ो भाई, आया अपन से, न कोई सियादबाद में कहीं विवाद नहीं होता, सियादबाद में कहीं विवाद नहीं होता, जो विवादों में उलझे हैं वे सियादवादी नहीं है, ध्यान रखना, वे सियादवाद शासन के विरोधी हैं जो विवादों में उलझते हैं। ठीक है भाई, तुम्हें प्रवचन करना तुम कर ले, हम जी बैठे, हमें का लेने देने, हम अपना वहां स्वाध्याय करेंगे, नहीं हम ही करेंगे जो कोई बात रही, और तो हम ही करेंगे तो कोलो करेंगे जो बता, कब तक करते रहेंगे। अकबर जैसी बातें मत सोचना, बीरबल अगर एक ही बादशाह रहता तो कैसा बढ़िया रहता है। बीरबल बीरबल थे, बोले हजूर आप बादशाह कैसे बनते, एक ही बादशाह जो बना रहता वो ही बना रहता तो आप बादशाह कैसे बनते, अरे दूसरा बादशाह नहीं रहा तो तुम बादशाह बने, अब तुम ये क्यों सोच रहे हम ही बने रहे, दूसरा आओ भाई तुम संभालो और हम तुम्हारे साथ हैं, ये मत सोचो कि नहीं करके बता रहे हमारे बिना, नहीं कभी मत सोचो, कर्तत्व का अहंकार नहीं। अरे पुराणन की बात इतिहास की बात तो ठीक है, हमने तो जय जिंदगी में देखा है, नेहरू जी के समय में सोचते थे लोग, बातें होती, नेहरू के बाद क्या होगा फिर,
और कछु नहीं, लाल बहादुर आए उनसे थे 18 महीना में क्या तमाशा किए, देश की शान ऐसे खड़ी कर दी, पेडन टैंक पिटने टैंक बन गए। हिंदुस्तान की बुद्धि है, वो पेटिन टैंक ले आया पाकिस्तान अमेरिका से खरीद करके, तो पेटिन टैंक लगा दिए युद्ध में, अब अपनी सेना पर। तो एक अपना जो सैनिक था वो पेटिन टैंक जो टूटा था ना उसको उठा लाया, सो फैक्ट्री में उसका विश्लेषण किया, इसका जॉइंट कहाँ है, बस जॉइंट समझ लिया था। और अपने बम धर गए वही जॉइंट पर लगा दी, फटा फट 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 फटते गए, तब कहावत बनी पेटिन टैंक पिटने टैंक बन गए। शास्त्री के बाद क्या हो, इंदिरा आ गए, उनके बाद क्या हो, वे आए गए, उनके बाद वे आए गए, और मनमोहन बिना चुनाव के आए गए 10 वर्ष, देखो उन्हें 18 दिनों में छोड़ो तो 18 महीना रहे, फिर 5 साल रहे, फिर उसके बाद ये आ गया, देखो सारा विश्व देख रहा है, ऐसे देख रहा हूं जी कत का है। कभी मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो, शंकाएं मत करो, विश्वास करना सीखो और विश्वास देना सीखो, विश्वास देना भी सीखो और विश्वास करना भी सीखो। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, हाँ? अगर विश्वास किया है, मालूम है डाकू को बदल दिया था विश्वास ने, बता बस इतना ही कहेंगे, वो डाकू साधु का ब्रह्मचारी का वेश बना करके आ गया शाम को, और रत्नों की प्रतिमा और छत्र चबर सोने के सिंहासन सब धरे आया, और प्रवचन में बैठ गया, पंडित जी जम्बू कुमार की कथा सुना रहे थे, विद्युत चोर चोर की सब कथा हो गई, और वो ब्रह्मचारी जी ने अपना भजन गाया, संत निरंतर चिंतत ऐसे, लोग मुग्ध हो गए, महाराज कहां से पधारे आप, अरे भाई हम तो यात्रा को निकल से रुक गए यार, सवेर जाओ घर चलो, हम त्यागी आदमी घर का को जाए, हम तो यहीं रहने आ रहा हूं। बोले तो ठीक है, हम बिस्तर, अरे बिस्तर बिस्तर हम नहीं लेते, हम तो चटाई ले रही हूँ, चखते दो तो ठीक है महाराज जी, चखत धरो और जो प्रासु पानी धरो है, हाथ धोए भी गए, और सभी रिंग हम आ जाए, और कोई चीज की जरूरत हो तो आगे बता दो आप, और महाराज सांकर लगा लो बीता से, अब आप लेते तो आप तारे की जरूरत का है, सांकर लगा लो। अब सांकर लगा के वो उसने बीता से सांकर लगाई, गई अपने गांव के लोग चले गए। अब वो सोच रहा है कितना विश्वास इस देश के प्रति, थोड़े से देश के प्रति, पूरा मंदिर हमारे ऊपर छोड़ गए, और हम का करवे आए हैं, लूट मार करवे आए, हम विश्वासघात नहीं कर सकते, अब विश्वासघात नहीं करेंगे, आज हम यहाँ के रक्षक हैं, परेडी जैसे ही 12:30 बजे उनके डाकू आए गए, कुंडी खोल दी, भीतर आ गए, बोले कहो सरदार कैसे रहो, अरे बोले बढ़िया काम साहब, बोले चलो तो फिर तोरो तारो जे, बोले सुनो एक पाई नहीं ले जा सकते, आज हम यहाँ के रक्षक हैं, हमारे प्रति इतना विश्वास किया गया है, हम विश्वासघात नहीं कर सकते, विश्वासघात करने वाला जीव हाँ महापापी होता है, विश्वास नहीं घात कर सकते, आप तो कह रहे थे हम माला माल हो जाएंगे, क्या लूटने से नहीं देखने से, देखो ये वीतरागी प्रतिमाएं क्या कह रही है, देखो कैसे कैसे वैभव छोड़ करके ये तपस्या की है, उनकी ये प्रतिमाएं हैं मूर्ति हैं, तो तुम मत करो, हम तो खबरदार जब तक हमें तुम भी नहीं कर सकते, यहाँ लूट मार नहीं हो सकती, आज हम यहाँ के रक्षक हैं। बोले ठीक है जब सरदार ऐसे कह रहे, तो बोले और इस डाकू के डकैती में धरो का है, चूरन के पुर ना बसे, हम तो भाई, और देखो रात को हम सुन रहे थे कथा, जम्बू कुमार के घर में चोरी करने आया वो विद्युत चोर, 500 चोरों का सरदार, और सवेरे दीक्षा लेके चला गया, तो हम कल्याण नहीं कर सकते, तुम चाह कच करो, हम तो अपना सवेरे प्राश्चित करेंगे और कल्याण करेंगे।
बेचारे चले गए था। पंडित जी लौटे, सभी आए, देखा बाबा जी। अरे बाबा जी मत कहो भैया, तुम हमारे चरण मत छुओ, हम तुम्हारे चरण शरण में हैं। हम डाकू डकैती डालने आए, प्रायश्चित कर रहे, हमारा कल्याण कैसे हो ये मार्ग बताओ। जब विद्युत चर हो सकता है कल्याण के मार्ग पर, तो हम क्यों नहीं हो सकते। सभी दीक्षा लेके चले गए, विश्वास बड़ी की है। सम्यक दर्शन विश्वास का ही नाम तो है, सही विश्वास, सम्यक विश्वास, देवशास्त्र गुरु का विश्वास व्यवहार सम्यक दर्शन है, तत्वों का विश्वास व्यवहार सम्यक दर्शन है, और आत्मानुभव पूर्वक आत्मा का विश्वास निश्चय सम्यक दर्शन। और है क्या बोलो, सम्यक दर्शन किसी क्रिया का नाम है क्या? विश्वास का नाम, ज्ञान अनुभूति का नाम, चारित्र समता का नाम है। कोई बता, ये तो शरीर की क्रियाएं होती है नैमित्तिक रूप से, लेकिन इन क्रियाओं का नाम थोड़ा ही है प्रत्यत्र और धर्म। विचारना भाई, पर्वों को दिन तो पूरे होंगे, देखते 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 आज दिन भी आ गया, चलो अब परसों से है, पूरे भी होंगे। जिसका आदि है उसका अंत है, लेकिन जिसका आदि नहीं है उसका अंत भी नहीं है। समझ में आया ना? तो पर्वों को दिन तो पूरे होंगे, लेकिन पर्वों को सार्थक करते रहना करना, हमारी परिणति निर्मलता की ओर बढ़े, कल्याण की ओर बढ़े। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख से, या वाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालो।